कृष्णा, राधे राधे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है होली स्पेशल पोशाक, जो कि मैंने बनाई है व्हाइट कलर की। और व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है कि आपको जिस आप उस कलर को जिस भी रंग में ढालेंगे वो आपको वही रंग जो है देने लगेगा। तो होली जो है हमारा रंगों का त्यौहार है, और जब रंगों का त्यौहार हम व्हाइट कलर के ऊपर यदि उनका मल्टी कलर के फूलों का जब श्रृंगार करेंगे तो वो एकदम निखर कर आएगा। और कपड़ा और क्वालिटी हमेशा की तरह आपको बेस्ट मिलेगा। एंड डिज़ाइन ये नहीं है कि लहंगे में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसकी फिनिशिंग में, तो वो भी आपको प्रॉपर मिलेगी। और ये ड्रेस जो मेरी बाकी ड्रेस होती है उनसे रीजनेबल रेट पर आपको ये ड्रेस मिलेगी, क्योंकि ये होली के लिए है और हमारे जो लाला हैं वो होली के रसिया हैं, तो इसीलिए ये ड्रेस आपको रीजनेबल रेट पर मिलेगी। और ये ड्रेस मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सोची कि मन से बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और होली के लिए मैंने इसका श्रृंगार भी सोच लिया है कि मैं किस किस तरह से ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगी। यदि आप कहेंगे तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी कि मैं इस ड्रेस पे किस तरह का श्रृंगार करने वाली हूँ ठाकुर जी का। इस ड्रेस को छोड़िए आप, मतलब ये है कि जब जो श्रृंगार मैंने सोचा है ना, जब वो श्रृंगार आप खुद सोचेंगे कि इस ड्रेस पे मैं वैसा श्रृंगार करूंगी, तो आप ये कहेंगे कि भाई इससे बेटर श्रृंगार हो ही नहीं सकता होली के लिए। तो अभी मैं आपको बातें बंद करके आपको पोशाक दिखा देती हूँ। तो चलिए हम पोशाक देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है राधा रानी की पोशाक दिखाऊंगी आपको। तो ये है हमारी राधा रानी का ब्लाउज, ये देखिए। एंड ये जो फैदर का कपड़ा होता है उस तरह का कपड़ा है, और बहुत ही प्यारा सा ये ब्लाउज है। यहाँ से ये हमारी राधा रानी का इस तरह का ऑफ शोल्डर ब्लाउज है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत प्यारा लुक आता है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे अब तक का सबसे बेस्ट ब्लाउज ये लगा है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, अमेजिंग। और अब बात करें हम लहंगे की, तो ये देखिए हमारी राधा रानी का लहंगा, देखिए। एंड पीछे से आपको दिखाती हूँ, और अब मैं आपको खोल कर इसका घेरा भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका घेरा कितना प्यारा इसका घेरा है। और इनर देखिए, तो सिल्क का जो है इसमें इनर यूज किया गया है, सिल्क का इसमें इनर है। ऊपर जो है इसका फैदर का कपड़ा है। ये है हमारी राधा रानी का लहंगा, एंड ये है उनका ब्लाउज, और ये है फैदर का ही जो है उस पर दुपट्टा दिया गया है। ये देखिए दुपट्टा देखिए, और दुपट्टे की लेंथ देखिए, और बॉर्डर आप देख सकते हैं इसमें सिल्वर कंट्रास्ट के साथ में जो है ये व्हाइट ड्रेस बनी है। मतलब इस ड्रेस को पूरी तरीके से व्हाइट इसका लुक दिया गया है इसका ड्रेस का। तो ये तो हो गई हमारी राधा रानी की, और इसमें हमारी राधा रानी का पर्स भी बहुत प्यारा सा पर्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया भाई, अरे कहाँ गया भाई, पर्स कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए। और इसमें भी गोल्डन डोरी नहीं लगी है, कपड़े की ही व्हाइट कलर की जो है डोरी लगी है। तो ये देखिए पर्स हमारी राधा रानी का। तो ये ड्रेस तो हो गई हमारी राधा रानी की, ये हो गया उनका एक दुपट्टा, और इसके साथ में एक ही दुपट्टा है। एक दुपट्टा आपके पास में जो भी ड्रेस हो, तो अगर आप कंट्रास्ट में पहनाना चाहते हैं तो आप एक कोई भी मल्टी कलर का दुपट्टा इसमें यूज ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये दुपट्टे की लेंथ बहुत बड़ी है कि दूसरे दुपट्टे की उसमें जरूरत है। तो ये जो है ये चार चीजें हैं हमारी राधा रानी की। और अब हम देख लेते हैं हमारे ठाकुर जी की ड्रेस। तो ये देखिए ये है हमारे ठाकुर जी का ब्लाउज, एंड यहाँ से भी आप एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हैं। बैक देखिए, और इसके साथ में जो है ये है हमारे ठाकुर जी की धोती, सिल्क की धोती है।
एंड ये जो इस पे डिजाइन दिया गया है साइड से, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन है। ये इस तरह से ऊपर उठा रहेगा खुद से ही, क्योंकि इसकी जो वेलक्रो लगी है वो इसके नीचे से लगी है और ये डिजाइन ऐसे ऊपर उठा हुआ है। तो ये इस तरह का ये डिजाइन है धोती का। और ये है हमारे ठाकुर जी का ब्लाउज ऊपर का, और ये है उनका पटका। तो ये देखिए, ये है ठाकुर जी का पटका, और पटका भी देखिए आप, और पटके की लेंथ आप देख सकते हैं। एंड जो इसमें अंदर सारा इसमें सिल्क का और फैदर का यूज किया गया है, एंड सिल्वर कलर का इसमें जो है लेस का काम किया गया है। लेस भाई बहुत जगह मैंने देखा है कि दुपट्टे में ये ऐसी लेस मिल रही है, और दुपट्टे इतने छोटे छोटे से, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो काम मैं नहीं करती हूँ। यदि आपको रीजनेबल ड्रेस भी मिल रही है तो उसमें भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। सिर्फ जो मेरी नॉर्मल ड्रेस होती है उसमें दुपट्टे मैं दो देती हूँ, इसमें सिंगल दुपट्टा है। और कलरफुल दुपट्टे तो आपके पास में जो पहली ड्रेस हो, यदि आप पहनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी कंट्रास्ट देकर आप इसमें दुपट्टा पहना सकते हैं। सेम ऐसे ही पगड़ी का है, यदि आप व्हाइट कलर की पगड़ी कहेंगे तो आपको व्हाइट कलर का कपड़ा मिल जाएगा, और यदि आप मल्टी कलर की कहेंगे तो आपको मल्टी कलर में भी कपड़ा मिल जाएगा। जिस भी कंट्रास्ट में आप पगड़ी चाहेंगे आपको उस कंट्रास्ट में पगड़ी का कपड़ा मिल जाएगा। यदि आप व्हाइट रखना चाहते हैं पूरी ड्रेस के साथ में, और ऊपर से जो है फूलों की ज्वेलरी पहनाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है पूरी ड्रेस व्हाइट पहना है, उस पर श्रृंगार मल्टी कलर का करें, तो बहुत ही खूबसूरत ये होली का श्रृंगार होगा हमारे ठाकुर जी का। तो ये ड्रेस है हमारे ठाकुर जी की होली के लिए, मैं जन्माष्टमी बोलने वाली थी, ये ड्रेस है हमारे ठाकुर जी की होली के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ड्रेस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर सकते हैं। ये ड्रेस है 15 इंच की, एंड ये देखिए बहुत सारी भाई ड्रेस इसमें बन गई है। और हाँ, बहुत बोलते हैं, मतलब बहुत लोग फिर बोलते हैं कि आपने लड्डू गोपाल की ड्रेस नहीं दिखाई, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। बट अभी लड्डू गोपाल की ड्रेस जो है प्रेस नहीं हो पाई है, तो कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये प्रेस नहीं हुई है अभी, तो ये है, ये मैंने पर्सनली शाम के लिए ड्रेस बनाई है, तो इसमें आपको लड्डू गोपाल के लिए भी मिल जाएगी। और यदि आपके पास में फाइबर वाले लाला हैं तो उनकी भी ये ड्रेस तैयार है। ये देखिए, यदि आपके पास में फाइबर वाले लाला हैं तो उनकी भी ये वाइट ड्रेस बन गई है। और ये देखिए, ये 0 साइज के लड्डू गोपाल की, 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ये ड्रेस भी बन गई है। तो यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क करें और ऑर्डर दें, क्योंकि स्टॉक जो है, जो क्लॉथ होता है वो लिमिटेड होता है, और फिर ऑर्डर आपके बाद में आएंगे तो ड्रेस को यही कहा जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। तो उससे अच्छा ये है कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कराइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।